बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 चार्जेस गिवन ऑन बोरोइंग मनी और सिंपल इंटरेस्ट। भाई अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मान लो कि भाई आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास किसी चीज को खरीदना बट आपकी जेब में अभी इतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फोन मिलाओगे किसी अपने दोस्त को कि यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ उधारी दे दो। बट दोस्त क्या है आपका, चलाक है, वो कहेगा चलो मैं तुझे उधारी देता हूं बट मुझे तुझे मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। भाई बाद में जब आप उसको पैसे दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, वो कहता है चलो, तो वो कहता है कि कितना, वो कहेगा कि जितना तू मुझसे मांग रहा है ना मैं उसका 2% ज्यादा लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा, यानी इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे बैंक होता है ना, इंटरेस्ट लेता है, अगर आप उनसे लोन लेने जाओ तो लोन लेते हैं, मतलब आप उनसे लोन ले रहे हो वो बाद में आपसे इंटरेस्ट भी लेते हैं एक्स्ट्रा, यही चीज होती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हम पैसा उधारी ले रहे हैं या जो इंटरेस्ट ले रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आपने जो पैसा लिया, जो पैसा हिंदी में लिख देता हूं, जो पैसा आपने बोरो किया, जो पैसा आपने बोरो किया, बोरो का मतलब उधारी लिया, ठीक है जी, जो पैसा आपने उधारी लिया इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट में इसको हम कहते हैं भाई, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये याद रखना। वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं बच्चों, ये प्रिंसिपल अलग होते हैं, वो प्रिंसिपल PLE होते हैं, ये हमारे PAL होते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारे PAL होते हैं, वो PLE वाले होते हैं। तो जो पैसा आपने उधारी लिया उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ओके जी। अब जो बंदे से आप ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, वो क्या कहेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा लिख दो, हाँ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा भाई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा आपको उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। भाई जिसने आपको पैसे दिए वो अपना कुछ तो फायदा लेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये बताओ कि आपने अपने दोस्त से मान लो भाई ले लिए पैसे 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए आपने ले लिए, आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो इस पे एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, कुछ इंटरेस्ट लूंगा, बोला चल ले ले, तो आपने बोला कि भाई मुझे जो पैसे चाहिए वो 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है, तो दोस्त ने बोला कि 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है, तो मुझे 2,000 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट दे दियो। आपने कहा चलो ठीक है 2,000 रुपए इंटरेस्ट दे देते हैं। तो अब ये बताओ कि आप कितने पैसे दोगे उसको 1 साल के बाद, आप उसको 1 साल के बाद कितने देने वाले हो, जो आपने लिए थे वो तो दोगे दोगे, साथ में ये 2,000 रुपए भी तो दोगे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट, यानी जो आखिरी में पैसे देने हैं आपको, जो आखिरी में पैसे रिटर्न करने हैं, ठीक है, रिटर्न करोगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है जी, जो पैसे अब आखिरी में रिटर्न करोगे उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही तो निकलेगा, तो प्रिंसिपल को पी लिखते हैं हम और इंटरेस्ट को आई, ठीक है, ये याद रखना, पी और आई, यहाँ पे अब आप पी एंड आई ही याद रखना, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होगा ना। अब इसके अंदर जो कैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि भाई आपको बोला है इसी में कि मैं 2% इंटरेस्ट लूंगा, मान लो भाई आपने 2% इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, देखो इंटरेस्ट कितना है 2%, ठीक है, 2% इंटरेस्ट हो जाएगा, एंड प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपको, मान लो 4,000, ओके, ये 4,000 रुपीज आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बोला कि भाई मैं इस अमाउंट पे 2% इंटरेस्ट लूंगा 1 साल का, वेरी गुड। देन आपको बताना कि आप अमाउंट कितना पे करोगे, तो भाई कैसे निकालेंगे इसको, पहले इस परसेंटेज को मनी में कन्वर्ट करना है ना, तो 2% किसका है, इसका है ना प्रिंसिपल का, तो क्या करेंगे इसके अंदर हम 2% परसेंट को ऐसे लिखेंगे, किसका है हमारे पास,
4000 का, तो उसका अमाउंट बना लेंगे यानी 80 रुपए इंटरेस्ट हो गया। 80 रुपए इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, जब आप इसका अमाउंट बनाओगे, अमाउंट मतलब जो आपको देना है आखिरी में, जो आखिरी में पैसे रिटर्न करोगे यानी अमाउंट, वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, कितना होगा 4080 रुपए आप उसको रिटर्न करोगे भाई, सिंपल सी चीज, ठीक है जी। अब ये होता है हमारे पास क्या, जैसे एक साल के लिए मांग लिए, एक महीने के लिए मांग लिए, मगर अगर आपको पैसे चाहिए बहुत साल के लिए, ठीक है ना, अगर बहुत साल के लिए चाहिए तब क्या करोगे भाई। अब जैसे यहाँ पे एक टॉपिक का जो नाम आता है कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, भाई आपको इंटरेस्ट निकालना हो, ये तो एक साल की बात थी कि चलो दे दिए इंटरेस्ट फॉर, अगर बहुत सालों के लिए निकालना हो, जैसे 10 साल के लिए मांगे है, पहले तो उसने बोला कि भाई 2% है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे 10 साल के लिए, ये थोड़ा कि 10 साल बाद सिर्फ टोटल में मिला के 80 रुपए दोगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपको हर साल उसको 80 रुपए देने हैं, यही करोगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसे बैंक लोन देती है 5 साल के लिए लोन दे दिया, 10 साल के लिए दे दिया, तो वहां पे क्या, वो आपसे हर साल ब्याज लेती है, मगर हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए ताकि हम ये तो नहीं हर साल का कैलकुलेट करते रहेंगे, नहीं हमें ये देखना कि आखिरी में 10 साल बाद मुझे कितने देने पड़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, ठीक है। तो उसका हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है कि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, कितना निकलेगा, आई इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, आर होता है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जैसे 2% 4% हम जो बोलते हैं वो हम यहां पे लिखते हैं आर, ठीक है जी। कितने टाइम के लिए, 5 साल 10 साल जो भी होगा, टी मतलब 5 10 साल जो भी होगा, 5 10 ऐसे लिख देना, अपॉन में 100, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है जी, कि टोटल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, जैसे मैंने बोला ये फॉर 1 ईयर है, ओके, अब मैं ये कहता हूं कि यही चीज आपको 5 ईयर्स के लिए निकालनी हो, आपको 5 साल के लिए भाई उधारी चाहिए, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना था भाई, 4000, यहां पे लिख लो, प्रिंसिपल था 4000, रेट कितना था हमारे पास 2, अब 2/100 अपने आप आ जाएगा, वो देखो आ गया ना 2, ठीक है जी। कितने टाइम के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, ओके जी, अपॉन में 100, यही चीज है, इस 100 से ये 100 काट दो, कितना बच गया, 40 × 2 × 5 देखो 40 × 2 × 5 10 विच इज इक्वल टू 400, ठीक है, तो आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको 5 साल में, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करोगे आप आखिरी में, पी प्लस में आई, पी कितना आपके पास 4000, इंटरेस्ट कितना आया 400, कितने दोगे बच्चों 4400, सिंपल सी चीज, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपको जब कोई बोरो करते हो, मनी उधारी लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने कितना उधारी लिया, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, 10,000 बोल दिया। जैसे कितना जो एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे भाई, जो इंटरेस्ट दोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप देते हो इंटरेस्ट, वो मान लिया उसको हम आई बोलते हैं। देन जो पैसा अब आखिरी में रिटर्न करोगे उसको, उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट, जो कि क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल थोड़ा छोड़ेगा या इंटरेस्ट थोड़ा छोड़ेगा। देन जैसे कोई क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाए, तो आपको इस तरीके से निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, 2% निकालना है कि इसका प्रिंसिपल का ना, तो 2% ऑफ प्रिंसिपल निकाला, 80 रुपए इंटरेस्ट हो गया, देन अमाउंट होगा एंड इंटरेस्ट का परसेंटेज वाला कन्वर्ट करके ऐसे लिख लो। या जैसे इंटरेस्ट बहुत सालों के लिए निकालना है, ये था एक साल के लिए, ठीक है, अगर बहुत सालों के लिए निकालना है तो इस तरीके से PRT/100, ये फॉर्मूला याद रखो, प्रिंसिपल रेट एंड टी फॉर टाइम। देन क्या हो जाएगा, मैं यहां पे एक बार फिर भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि आर हो गया रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको हम, ओके, टाइम, टी फॉर टाइम, ओके, तो PRT इसको ऐसे डालो फॉर्मूले में, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में अभी जो करेंगे, तो उसे करो, देन मिलते हैं जल्दी से एक्सरसाइज पे, देन कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जरूर सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा इस बार, ठीक है, थैंक यू।